गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के पोएट्री का लेसन 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है द नेशन बिल्डर्स। इसका मतलब ये है राष्ट्र निर्माता, द नेशन बिल्डर्स राष्ट्र निर्माता, जिसको लिखे हैं R.W. इमर्सन। इस कविता में कवि ने यह दर्शाया है कि किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी दौलत नहीं होती है, ना सोना ना चांदी। राष्ट्र के निर्माता तो इसके वफादार जो नागरिक होते हैं वही होते हैं जिनका महान व प्रतिभावान होना आवश्यक है। ऐसे लोग कठिनाइयों से घबराते नहीं है, आपदाओं से विचलित नहीं होते, मुसीबतों को देखकर इनके पैर नहीं कांपते, विरोध के कारण इनके पैर डगमगाते नहीं। कठिनाइयां तो इनकी वीरता को परखती है, इन्हें हतोत्साहित नहीं करती। ऐसे ही कर्मठ नागरिक देश को आसमान तक ऊंचा उठा सकते हैं। तो इस पोयम के माध्यम से चलिए बढ़िया से इसको समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यह पोयम बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही बेहतर है। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है जो पोयम के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। पहले लिखा है नॉट गोल्ड। देखिए, गोल्ड का मतलब सोना ऐसा नहीं है, गोल्ड का मतलब हुआ संपत्ति, भौतिक वस्तुएं। देखिए, नॉट गोल्ड यानी कि संपत्ति या भौतिक वस्तुएं नहीं, बट ओनली मैन, केवल मनुष्य कैन मेक, बना सकता है, या पीपल, पीपल का मतलब हो जाएगा राष्ट्र। एक राष्ट्र को ग्रेट एंड स्ट्रांग, महान और मजबूत। तो इन दोनों लाइनों का मतलब मैं बढ़िया से समझा रहा हूं। देखिए, संपत्ति या भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि मनुष्य ही राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बना सकते हैं। मेन हु, ऐसे व्यक्ति, फार ट्रूथ एंड आनर ससेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। कैसे लोग भारत को महान बना सकते हैं, कैसे लोग राष्ट्र को महान बना सकते हैं? देखिए, ऐसे लोग फार ट्रू, जो सत्य के लिए एंड आनर ससेक और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट, दृढ़ रहते हैं, एंड सफर लॉन्ग और अत्यधिक कष्ट का सामना करते हैं। कैसे लोग भारत को महान बना सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जो सत्य और सम्मान के लिए दृढ़ रहते हैं और अत्यधिक कष्ट का सामना करते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क, देखिए यहाँ से बहादुर व्यक्ति, हु वर्क, जो लोग काम करते हैं, वाइल, जबकि अदर स्लीप, अन्य लोग सोए रहते हैं, यानी कि जब दूसरे लोग सोए रहते हैं तो बहादुर व्यक्ति काम करते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, जब अन्य लोग फ्लाई मतलब भाग जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, साहसी लोग सामना करते हैं। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स, ऐसे बहादुर लोग एक राष्ट्र के स्तंभ को बनाते हैं, एक राष्ट्र के नींव को बनाते हैं। डीप मतलब बहुत मजबूत, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसका यश जो है, उसकी जो कृति है, उसको आसमान तक फहराने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेनी मेनी थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।